Hey guys, welcome back to your channel once again. Guys, आज बात करने वाले हैं हम उन reasons के बारे में जिसकी वजह से आपको Realme Watch 2 Pro buy करना चाहिए या फिर उन reasons के बारे में guys जिसकी वजह से आपको Realme Watch 2 Pro को buy नहीं करना चाहिए। तो guys ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, काफ़ी informative होने वाली है उनके लिए जो ये स्मार्ट वॉच बाय करने का प्लान कर रहे हैं। तो guys अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड guys आप ये प्रोडक्ट बाय करते हैं तो मेरे दिए गए लिंक से ही बाय कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, थोड़ी सी चैनल की भी हेल्प हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद गाइस। अगर बात करें हम सबसे पहले रीजन की तो गाइस मैं बता दूं आपको कि जो इसका लुक एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम है एंड काफ़ी अच्छा है। जब आप देखेंगे कि काफ़ी कम बेजल्स के साथ आपको देखने को मिलती है इसकी डिस्प्ले एंड जो बैक है गाइस वो ग्लॉसी फिनिश मटेरियल का यूज़ किया है कंपनी ने, जिससे काफ़ी अच्छा लुक आता है, काफ़ी अच्छा जो है फिनिश देखने को मिलती है इस वॉच की। एंड गाइस जो स्ट्रैप मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसकी वजह से आपको जो इन हैंड फील काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से आप इस स्मार्ट वॉच को बाय। गाइस जो दूसरा रीजन मुझे देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि इसका जो डिस्प्ले है गाइस, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस काफ़ी कमाल की देखने को मिलने वाली है आपको स्मार्ट वॉच में। आपको इस प्राइस सेगमेंट जो है हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है तो काफ़ी जो कमाल की चीज़ कर देता है। 5000 प्राइस बैंड में कोई भी ऐसी स्मार्ट वॉच नहीं है जो इस रेजोल्यूशन का आपको डिस्प्ले दे रही हो। एंड इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है 600 निट्स तक ब्राइटनेस जाती है, तो डे लाइट विजिबिलिटी डायरेक्ट सनलाइट में विजिबिलिटी में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला आपको स्मार्ट वॉच को अगर बाय करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है। एंड डिस्प्ले का साइज़ भी आपको 1.75 इंच का जो है बिग साइज डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद लेस बेजल्स, तो काफ़ी कमाल की चीज़ आपको ये देखने को मिलने वाली स्मार्ट वॉच में। इसके अलावा अगर तीसरे चीज़ की बात करूँ, तीसरे रीज़न की बात करूँ तो आपको इसमें गाइस AIoT स्मार्ट कंट्रोल फंक्शन देखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी जो हैं अदर डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियलमी बर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं अपने वॉच से। एंड गाइस काफ़ी इजी है एंड काफ़ी जो है आपको अच्छा कंट्रोल फीचर देखने को मिलता है, जिसमें आप जो है काफ़ी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, शॉर्टकट सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं गाइस, इसके अलावा ट्रैक्स को जो है चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके जो फंक्शंस कीज हैं बर्ड्स के उन सब चीज़ों को आप जो है एक्सेस कर पाएंगे अपने वॉच से। तो ये जो है एक यूनिक चीज़ एंड अलग चीज़ आपको देखने को मिलती है स्मार्ट वॉच से। इसके अलावा जो चौथा रीज़न है वो ये है कि आपको इसमें 100+ गाइस जो है वॉच फेसेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लाइव वॉच फेसेस का भी सपोर्ट रहता है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है इस वॉच में। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे वॉच फेसेस आपको कंपनी दे रही है, ऑफर कर रही है गाइस, इसमें आपको ख़राब वॉच फेस उतने नहीं देखने को मिलेंगे, आपके जो हैं ज़्यादा यूज़फुल वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लुक देते हैं आपकी वॉच को एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए जो आप चेंज कर करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो अगला रीजन है वो है इसका जो है एक्यूरेसी लेवल काफ़ी जो है अच्छी देखने को मिलेगी, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग एंड गाइस इसका SpO2 मेजरमेंट का काफ़ी अच्छा एक्यूरेट डेटा आपको देखने को मिलने वाला इस वॉच से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। आपको डेडिकेटेड SpO2 सेंसर भी देखने को मिलता है, जिससे SpO2 लेवल की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक जो है अच्छी हो जाती है। बट गाइस वही है कि आपके एडवाइजेबल नहीं है एज अ मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस की तरह यूज़ करें, तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है। इसके अलावा जो अगली चीज़ मुझे अच्छी लगी है, फिर अगला रीज़न जो कह सकते हैं इसको बाय करने का, वो है इसका बैटरी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, आपको 390mAh की ह्यूज बैटरी साइज़ देखने को मिलती है, जिसमें कंपनी 14 डेज तक का क्लेम करती है, बट आपको जो है मैक्सिमम सिनेरियोज में 5 to 6 days, 7 to 7 days के आसपास जो है बैटरी तो कम से कम मिल ही जाने वाली है, जो कि काफ़ी कमाल का बना देता है स्मार्ट वॉच को एंड काफ़ी अच्छी यूटिलिटी बन जाती है। अच्छा डिस्प्ले के साथ जो है बैटरी लाइफ भी अच्छी आपको मिल जाने वाली है। तो गाइस ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय करना चाहिए। अगर बात करें गाइस उन रीजंस की वजह से कि जिसकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय नहीं करना चाहिए, तो गाइस जो सबसे पहली चीज़ देखने को मिली है कि 5000 प्राइस सेगमेंट में आपको कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलता डिस्प्ले पर, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इस पर ग्लास प्रोटेक्शन एटलीस्ट कंपनी को देना चाहिए था, इससे आपका डिस्प्ले जो है थोड़ा सिक्योर रहे एंड इसको ब्रेक होने से ये डिस्प्ले जो है बच जाए। बट कंपनी ने कोई भी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं दिया है या फिर स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या प्रोटेक्शन आपको मिलता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ देखने को मिली है, जो दूसरा रीजन देखने को मिला है जिसकी वजह से आप जो है स्मार्ट वॉच से दूर जा सकते हैं, वो ये है कि गाइज इसका जो GPS ट्रैकिंग है वो उतना एक्यूरेट नहीं देखने को मिला है इनिशियल इंप्रेशन में। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं, काफ़ी जो है रिसर्च के इस पर, बट जो है नेगेटिव फीडबैक ही थोड़ा सा भी फिलहाल मिल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में अपडेट करके कंपनी चेंज कर दें इन चीज़ों को, बट फिलहाल के लिए अभी जो है GPS जो है उतना एक्यूरेट नहीं है, उतना अच्छे से काम नहीं करता है, रूट ट्रैकिंग भी आपको देखने को जल्दी से नहीं मिलती है।
इसके अलावा जो तीसरा कौन लगा है, तीसरा रीजन कह सकते हैं, एक छोटा सा ग्लिच है, वो ये है कि जब आप जो है हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं अपने वॉच में, हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट गाइस देखने को मिल जाता है आपको बता दूँ, तो जब आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इस वॉच में तो बार बार ऑटोमेटिक जो है हिंदी से इंग्लिश अपने आप सेट हो जाता है, जो कि एक ग्लिच है थिंक सॉफ्टवेयर में जो कंपनी फिक्स कर देगी फ्यूचर में, बट अभी आप बाय करते हैं तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी। तो गाइस ये वो रीजन्स हैं जिनकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय करना चाहिए या फिर जिनकी वजह से आपको स्मार्ट वॉच बाय नहीं करना चाहिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको वीडियो काफ़ी अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियोस को नोटिफिकेशन आपसे गाइज मिस ना हो। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन जय हिंद।